वेलकम एवरीवन। आज हम आपको ऐसा पर्स बताएंगे ये कैसे बनाया जाता है। ये बहुत कंफर्टेबल है और ये देखो देखने में भी बहुत सुंदर है। ये देखो हमने ये पर्स बनाया है, ये वेरी सिंपल है। अब मैं आपको सबसे पहले ये कैसे बनाया जाता है ये बताऊंगी। इस पे हम पॉकेट्स भी लगा सकते हैं, इसके अंदर भी लगा सकते हैं। हमने बाहर ही एक पॉकेट लगा दी है ऐसे वाली डिज़ाइन वाली। ऐसे हम आपको आज ये बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले आप कोई भी ये वाली जिप ले लीजिए और इसको यहाँ से फोल्ड कर लीजिए। थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हम इसको ऐसे धागे से, ये ब्रीक धागे से ही बना हुआ है, ये देखिए, इसको ऐसे निकाल लीजिए। निकालने के बाद इसको यहाँ पे थोड़ा सा गांठ दीजिए। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे इसको नीचे ही फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से ऐसे निकाल के ऐसे एक चेन डाल लीजिए। फिर इसको इसके ऊपर रखिए, 3 2 1 का ही क्रोशिया करना है। इसको यहाँ पे इसके पास से ही इसको ऐसे बुन लेना है। ये देखो ऐसे ही 3 2 1 का क्रोशिया करते जाना है और ऐसे ये इसके ऊपर बॉर्डर बन जाएगा, जिससे ये सारा हमने पूरा कवर कर लेना है। ऐसे ही हमने सारी बुनाई कर लेनी है। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे उसके ऊपर हमने एक स्टेप यहाँ से, ये मैं बता देती हूँ ये कैसे करना है। ये देखिए आप, हमने ये सारी सिलाई ऐसे ही की हुई है, ये देखिए। और यहाँ पे हमने फिर इधर से यहाँ पे इधर स्टेप किया, तो इसको 2 बार इसके ऊपर धागा किया, फिर यहाँ 4 बार हमने ये ले लेना है और ये इसकी तरफ मोड़ इसका बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा इस तरफ से। ये देखिए ऐसे हमने ये 3 2 1 का ही क्रोशिया सारा बनाया है और नीचे से हमने 8 चेन लेके इसका बॉर्डर बनाया है। ये थोड़ा सा खुला बन जाए, इसकी शेप पर्स जैसी आ जाए। ये देखिए, ना भी बनाओ इसकी, ऐसे ही जोड़ दो तो भी एक जैसा ही लगेगा। ये देखिए, फिर हमने इसके ऊपर ये डेकोरेट किया है। अब ये इसको ऐसे ही पूरा मैं बना के आपको दिखा देती हूँ। ऐसे ही हमने ये छोटा सा पर्स बनाया है, इसको भी ऐसे ही हमने शुरू किया है, इसको भी हमने यहाँ से ही ऐसे स्टिच किया हुआ है। ये देखिए, ये सिंपल है बिल्कुल, इसको ऐसे बनाया गया है और इसकी शेप आप कैसे भी, थोड़ी चौड़ी ज़्यादा रखनी चाहते हो तो चौड़ी बन जाती है, थोड़ी रखनी चाहो तो थोड़ी रख सकते हो। इसको भी फूलों से डेकोरेट किया गया है, ये देखिए। अब मैं आप इसको पूरा करके बता देती हूँ।
अब इसको ऐसे हमने ये कंप्लीट कर लिया है। और जब हम इसके मोड़ पे यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही इसमें से इसको भी इस तरफ से फोल्ड कर लेना है और इसमें से ऐसे धागा इस तरफ से निकाल लेना है। ऐसे दो तीन बार हमने धागे को ऐसे ही बुन लेना है, ढीला करके ऐसे ऐसे बुन लेना है। ऐसे चेन बन गई और ये देखिए ऐसे हमने इसके ऊपर चेन बना ली और यहाँ से इसको फोल्ड कर लिया। फिर हम इसको इधर से शुरू कर लेंगे। ये देखिए, फिर इसके ऊपर चार बार हमने 3 2 1 1 क्रोशिया करना है और इसके बीच बीच में से सारी बुनाई कर लेनी है जैसे ये बुनाई की गई है। ये देखिए ऐसे इसके बीच बीच में से हमने ये सिलाई की है। आप बीच में से करोगे थोड़ा सा खुला दिखाई देगा, यदि आप इसकी चेन के ऊपर करोगे तो ये मैं आपको बना के एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ से ही ऐसे यहाँ से शुरू करना है तो बस ये पहली जो लाइन होती है यही ध्यान से करने वाली है, बस उसके बाद तो ये आराम से चलता जाता है। जो ये ऊपर ऊपर वाली चेन आई है इसके ऊपर से ही लेके ऐसे चेन को लेके ऊपर से ही इस चेन को लेके ऐसे ये बुनाई की गई है 3 2 1 की, ऐसे ऊपर से लेके। ये मैंने उल्टी तरफ से बताया है लेकिन हमने तो सीधे ही उस तरफ ही जाते रहना है। क्रोशिए को 3 2 1 का जो क्रोशिया किया गया है इसके ऊपर से ही ये वाला ऊपर ऊपर से चेन लेके की गई है। जैसे ये चेन बनी हुई है इसके ऊपर से जो चेन है ऐसे इसको यहाँ से लेके हमने बुनाई करनी है। ठीक है, सारा ये पर्स ऐसे ही तैयार किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसको डेकोरेट करने के लिए हमने कोई भी ऐसे बना सकते हैं, ये हमने बटरफ्लाइज बनाई हैं ये भी मैं आपको बता दूँगी अगली वीडियो में, और ये फ्लावर भी आपको बता दिए गए हैं, और ऐसे ही हमने ये पर्स तैयार किया है। आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।